यस अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीप लोक एलिमेंट जो है उसका मेटेलिक नेचर। अब मेटेलिक नेचर क्या होता है? मेटेलिक नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेटेलिक नेचर। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मेटेलिक नेचर। अपन सबको पता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर लेते हैं, कम से कम दो तो करते हैं, क्योंकि एस में जो सबसे लास्ट में है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो प्लस टू तो ये जनरली शो करते ही हैं। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मेटेलिक नेचर, दे शो थ्री टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इनकी मेटेलिक नेचर का एक और मतलब है कि इनका जो एटम हैं बहुत स्पेसिफिकली, बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। और वो अरेंजमेंट कैसा होता है यहाँ पर? वो होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हो सकता है, BCC हो सकता है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हो सकता है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में। हेक्सागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग स्ट्रक्चर हो सकती है ड्यू टू द स्टेबल D5 कॉन्फिगरेशन, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फिगुरेशन है यहाँ पर डी का। ऑफ मैग्नीज, किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीज की। इट हैज़ स्पेशल क्लोज पैकेजिंग। अब यहाँ पर हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड स्टेबल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इनकी पैकेजिंग भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर इसकी जो पैकेजिंग होती है वो स्पेशल क्लोज पैकेजिंग स्ट्रक्चर होती है बिकॉज ऑफ द हायर न्यूक्लियर चार्जेस। अब D5 है, हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बहुत इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो भी बहुत अच्छा वाला है। और तो यहाँ पर जो साइज़ है वो भी कम हो जाता है, और जो इसकी सॉलिडिटी है, स्ट्रॉन्ग मैस है, वो भी बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द बिकॉज ऑफ इट हैज़ द स्पेशल पैकेजिंग स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द हायर न्यूक्लियर चार्जेस। अवेलेबिलिटी ऑफ द डी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर डी जो है आने कितने चाहिए? 10 हैं इसके पास, कितने? 5, और पांचों क्या हैं? अनपेयर्ड है। ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन जो है 5 अनपेयर्ड हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कौन? मैग्नीज, ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। इन एडिशन टू मेटेलिक लस्टर, चमक बहुत ज़्यादा होती है। देयर हार्डनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ द एनर्जी एटोमाइजेशन आर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज। मैग्नीज जो है एक और रीज़न है, मैग्नीज जो है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीज का। पूरे आप याद रखें, मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +7 तक, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मेटेलिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो मेटेलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट अगेन डिक्रीजेज फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक। दो चीज़ें आप याद रखें यहाँ पर, मैग्नीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, आसानी से ये बाहर निकल सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? एस में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो भी बाहर निकल गए। तो कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है? ये +7 तक शो कर रहा है। अब मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर होने लग जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये मैग्नीज हैं, डी में 1, 2, 3, 4, 5 होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा? 1, 2, 3, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। और डी में ऑलरेडी कितने, सॉरी एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ही, ठीक है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल सकते हैं बाहर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकते हैं। इसका मतलब ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +7, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नीज के बाद वाला, तो मैग्नीज के बाद जो होगा इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 5 + 2, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं तो उसकी क्या होगी? पेयरिंग होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो अब इसके पास अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हैं, और 2 7 के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अनपेयरिंग। अनपेयर जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर पेयरिंग होने लगेगी, पेयरिंग हो गई, फिर पेयरिंग हो गई, फिर पेयरिंग हो गई, फिर पेयरिंग हो गई, फिर पेयरिंग हो गई, तो मैग्नीज तक क्या होगा? मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं, और मैग्नीज के बाद वापस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने लग जाते हैं? कम होने लग जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट
ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वन और टू इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल बट दे शो मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरली एस में जो है वो दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कॉपर और क्रोमियम जो है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है एस में, तो दो कम एक या दो तो ये शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसके अलावा भी ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन दी एन आउटर शेल बट दे शो मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन जो है वो इनका 3D ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, एन माइनस वन डी वन टू टेन, ठीक है. उसके बाद एस एन एस वन टू टू इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ वेरी मिनिमम डिफरेंस. एस और डी में बहुत कम डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते रहते हैं, डी से कभी एस में चले जाते हैं, एस से कभी डी में आ जाते हैं. देयर इज़ वेरी मिनिमम डिफरेंस एंड एन एस और डी में मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी वजह से ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. आंसर यही है इसका, क्योंकि डी और एस में बहुत कम डिफरेंस होता है एनर्जी में, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते रहते हैं और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. डिफरेंस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोड. अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज जो है वो 7 तक शो कर रहा है, ये वाला 7 तक शो कर रहा है. तो मैग्नीज तक देखो +3 +4 +5 +6 और +7, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस कम होने लग जाएगी. देखो +3 +3 +4 +2 +2 कम हो गई है, वापस मैग्नीज से वापस कम हो रही है क्योंकि पेयरिंग हो रहा है, ठीक है. और मैग्नीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसलिए मैग्नीज सबसे ज़्यादा शो करता है +7. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मैट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. उसके बाद स्कैंडियम एंड जिंक शो, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, टेबल को देखकर आसानी से पता लग रहा है कि स्कैंडियम और जिंक जो है वो +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू स्टेबल D10 नॉबल गैस कॉन्फिगुरेशन. आपको ये ध्यान रखना है डी को, डी अगर फिल है, डी में टेन इलेक्ट्रॉन हो या फिर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हाफ फिल्ड हैं, और डी है तो फुल फिल्ड है, 10 है तो फुल फिल्ड है, और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे 5 के अलावा, डी में 5 है, इसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा. इट इज़ मैक्सिमम इन द मिडल, ये हो गया है मैक्सिमम इन द मिडल मैग्नीज. मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कम होते जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बता रखा है, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा हैं मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है. ऑक्सीडेशन नंबर जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा, और बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. इसके अलावा इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर द मोर स्टेबल. जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी. द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व इन द कंपाउंड्स लाइक द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विच आर टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. आसानी से ये पॉजिटिव हैं, डी वाले एक पॉजिटिव हैं, किससे सबसे अच्छे से बाइंड अप हो जाएंगे, फ्लोरीन से और ऑक्सीजन से, क्योंकि इनकी फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उससे फटाफट से बाइंड अप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इसी वजह से ये डी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है उनसे आप आसानी से बाइंड अप हो जाते हैं. विच आर द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इट हैपन्स ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एटम्स. यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा है और ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन छोटे होने की वजह से ये लार्ज जो एलिमेंट हैं वो कौन है, डी, उनसे आसानी से क्या हो जाते हैं, बाइंड अप हो जाते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड. डी ब्लॉक एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं. व्हेन मेटल इज़ इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, बट देयर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो भी बढ़ता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो भी बढ़ती है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू डिक्रीज इन बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड एंड वाइस वर्सा. देयर एसिडिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल MnO2 इज़ अ बेसिक ऑक्साइड. MnO2 जो है बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा है बेसिक जो करेक्टर है वो कम है, ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा. तो यहाँ पर Mn2O7 जो है उसमें क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है और इसलिए इसके एसिडिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा है. सम ट्रांजिशन एलिमेंट शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं, जैसे कि निकल, फेरस, कोबाल्ट, ये सब कोई ऑक्सीडेशन, कुछ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ये निकल और कोबाल्ट मिलकर, कोबाल्ट एंड Fe मिलकर. तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होती है, ज़ीरो होती है. कैटालिटिक प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ कुछ कुछ. कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब होती है कि ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. कैसे कर देते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके. पार्शियली फिल्ड एंड माइनस वन डी ऑर्बिटल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिटिक. पार्शियली फिल्ड होना चाहिए. देखो पार्शियली फिल्ड होगा तभी ये खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये कुछ भी काम नहीं करते हैं फिर, ठीक है. ये एज ए कैटलिस्ट काम नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. तो अब आता है हमारे पास, इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट द रिएक्शन प्रोसीड वाया द वे इन विच वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम. जो कैटलिस्ट होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इसकी वजह से रिएक्टेंट जो है वो आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और जो हमारी रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है. सम ऑफ एग्जाम्पल इन विच ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कंपाउंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट आर. यहाँ पर देखिए आप, वनस्पति जो घी होता है हमारे पास वो सॉरी वनस्पति जो ऑयल होता है, मतलब हमारे पास नॉर्मल ऑयल है, वो निकल के प्रेजेंस में, निकल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसकी प्रेजेंस में वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है. अनसेचुरेटेड से मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में. हाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन एडअप होते हैं, ठीक है. किस में डबल बॉन्ड किस में चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल. अनसेचुरेटेड था मतलब डबल बॉन्ड था और ये सेचुरेटेड में चेंज हो गया. जो हमारे पास वनस्पति तेल है, वनस्पति ऑयल, वो वनस्पति घी में चेंज हो रहा है, मतलब तेल डालडा में चेंज हो रहा है. किसमें, किसके प्रेजेंस से, निकल के प्रेजेंस से हो क्या रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एडअप हो रही है. सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो इसके बारे में हम आपको पता है, फेरस की प्रेजेंस में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है. तो ये हो गया हमारे पास कैटलिस्ट. इसके बाद हम पढ़ेंगे कलर के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं.